लेकिन अब जब रावी उन सारे सबूतों को अपने सामने जलता हुआ देख रही थी तो उसकी आंखें निराशा से भरती जा रही थी। प्रवीण उसके पीछे ही खड़ा था। उसने कहा, मैम अब क्या करेंगे? रावी काफी गुस्से में थी। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए कहा, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए रावी ने अपने हाथ में गन पकड़ी और मुड़कर वहां से जाने लगी। बेस में मौजूद कुछ लोग उनके साथ इकट्ठा हो चुके थे और अब रावी भी अकेली नहीं थी बल्कि उनके साथ वहां कई सारे लोग थे। प्रतिज्ञा को बचाने के बाद टीम के ज्यादातर लोग वापस बेस पर आ चुके थे और उनमें से कुछ की मौत हो चुकी थी और जो बचे थे वो इस वक्त रावी का लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार थे। रावी आगे बढ़ते हुए अपने दुश्मनों को मारते जा रही थी। वहां काफी सारे लोग थे और उनमें से हर एक इंसान बहुत ज्यादा स्किल्ड था जिन्हें हराना आसान नहीं था। पर रावी की गैंग भी कोई छोटी गैंग नहीं थी। कई सालों की ट्रेनिंग के बाद वो हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार थे और इस तरह के खतरों से नहीं डरते थे। थोड़ी देर बाद वो लोग एक हॉल में पहुंच गए जो उस बेस का सेंटर था। उस हॉल में कई सारी मॉनिटर स्क्रीन्स लगी थी और उन सब पर एक लाइन दिखा रही थी जो 90% पूरी हो चुकी थी और सिर्फ 10% बाकी थी। ये देखकर रावी समझ गई कि कोई उनके सारे डेटा को चोरी करने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से लैपटॉप के पास गई और उस डाउनलोडिंग को रोकने की कोशिश करने लगी। रावी की नज़रें ऊपर स्क्रीन पर थी और उसके हाथ कीबोर्ड पर चल रहे थे। 15 मिनट बाद रावी ने अपने हाथ पीछे किए और शांत नज़रों से स्क्रीन की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद सारी स्क्रीन अपने आप ऑफ हो गई और जो डेटा अपलोड हो रहा था वो भी डिलीट हो गया। प्रवीण ने कहा, मैम आप क्या कर रही हो? रावी ने कहा, जो भी इंसान हमारे डेटा को चोरी करने की कोशिश कर रहा था मैंने उसके पास एक वायरस भेज दिया है। अब उसके पास जितना भी डेटा गया होगा या उसने हमारे उस रूम से जिन भी पेन ड्राइव को अपने पास रखा होगा, जब वो उन्हें अपने किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप से जोड़ेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगी और उसका फोन तो ब्लास्ट हो ही चुका होगा। ये कहते हुए रावी उठी और आगे जाने लगी। रावी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे जिसे वहां मौजूद कोई नहीं देख पाया था। रावी ने बिना पीछे मुड़े कहा, इस पूरी जगह को साफ करो और जो लोग जख्मी हुए हैं उनका इलाज करवाओ और पता करो कि ये गैंग कौन सी थी जिसने हमारे बेस को बर्बाद करने की और यहां तक पहुंचने की कोशिश की। ये कहकर वो तेजी से वहां से निकल गई। प्रवीण ने कंफ्यूज होकर रावी को देखा और फिर मुड़कर बाकी कामों में लग गया। इधर दूसरी तरफ रावी अपनी बाइक से तेजी से कहीं जा रही थी। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। रावी ने अपनी बाइक उस घर के बाहर रोकी जो उसके लिए खूबसूरत सपने जैसा था। रावी ने बाइक स्टैंड पर लगाई और तेजी से घर में चली गई। जब उसने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। अंदर एक आदमी सोफे पर बैठा था और जमीन की तरफ देख रहा था जहां एक लैपटॉप के और फोन के टुकड़े टुकड़े होकर पड़े थे। उस आदमी के हाथ से खून बह रहा था क्योंकि फोन के कुछ टुकड़े उसके हाथ में घुस गए थे। रावी ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से विहान की तरफ देखा जिसने इस समय वही ब्लैक पैंट और शर्ट पहनी थी। उसने कहा, मतलब मैं सही थी, वो तुम ही थे। ये कहते हुए रावी आगे बढ़ने लगी। विहान ने जब देखा कि रावी वहां आई है तो उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। विहान ने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? रावी ने एक जबरदस्ती की मुस्कान अपने होठों पर लाई और कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, हम कितने दिनों से मिले भी नहीं हैं, तुमने मुझे एक बार फोन भी नहीं किया, क्या तुम बिजी थे? विहान ने ध्यान से रावी को देखा। उसके चेहरे पर थोड़ा खून लगा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थी। रावी ने इस वक्त ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट पहनी थी। उसके गले के एक साइड में कट लगा था जिससे खून बह रहा था और उसका शरीर भी कांप रहा था। ये देखकर विहान परेशान हो गया। उसने जल्दी से रावी को गले लगाते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? रावी के शरीर के कई हिस्सों पर चोट लगी थी पर जो दर्द उसे विहान ने दिया था उन सारे दर्द से ज्यादा था, इसीलिए रावी ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कहीं चोट नहीं लगी है। विहान ने कहा, तो तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? विहान डेटा लेकर वहां से निकल चुका था और उसके टीम मेंबर्स ब्लैक बटरफ्लाई के बेस पर बाकी लोगों से लड़ाई कर रहे थे, इसीलिए उसे अभी सिचुएशन के बारे में पता नहीं था कि उसके सारे लोग मारे जा चुके हैं और उसका प्लान भी फेल हो गया है। रावी ने कहा, विहान किसी ने मुझ पर हमला किया था और मैं जख्मी हो गई। विहान की आंखें यह सुनकर गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, किसने तुम पर हमला किया, मुझे बताओ, मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रावी ने अपनी उंगली विहान के दिल के पास पॉइंट करते हुए कहा, तुमने। ये सुनकर विहान दो कदम पीछे हट गया। उसने रावी को भी छोड़ दिया था। रावी ने अपने दोनों हाथ बांधे और कहा, हाँ विहान, वो तुम हो जिसने मुझ पर हमला किया। क्या तुम भूल गए तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो? क्या तुम वो इंसान नहीं हो जो ब्लैक बटरफ्लाई के बेस से वापस लौटा है? क्या तुम वो इंसान नहीं हो जिसने हमारे सारे डेटा को चोरी किया और हमारे सारे लोगों को मार डाला? बताओ ना विहान, अगर वो तुम नहीं थे तो वो कौन था? क्या मैंने तुम्हारे किसी हमशक्ल को वहां देखा था? और अगर ऐसा था तो तुम्हारा फोन और लैपटॉप यहां टूटकर ब्लास्ट कैसे हो गया? मैं तुम्हें बताती हूं ये कैसे हुआ। क्योंकि जो भी हमारा डेटा चोरी कर रहा था मैंने उसके फोन में एक वायरस भेजा था और डाउनलोडिंग पूरी होने के बाद वो डिवाइस फट जाने वाला था जिसमें वो डेटा जा रहा था। ये सुनकर विहान की आंखें गहरी हो गई। वो समझ गया था कि रावी उसके बारे में सब जान चुकी है। विहान ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहा, तो तुम्हें सब पता चल चुका है? रावी ने अपने दिल को सख्त करते हुए कहा, पर मुझे ये जानना है कि तुमने ये सब क्यों किया।
ये कहते हुए रावी की नजर विहान के हाथ पर थी, जिसमें उसका वो पुराना फोन था जो उस दिन गुम गया था। रावी ने कहा, तो इसीलिए तो मेरा फोन चोरी करके ले गए थे, ताकि तुम उस जगह के सारे लॉक्स तोड़ सको। रावी को याद था कि विहान एक बार उससे उसके फोन का पासवर्ड पूछ रहा था और रावी ने उसे वो बता दिया था, पर रावी ने कभी नहीं सोचा था कि विहान उसके साथ ऐसा करेगा। विहान ने हंसते हुए कहा, क्यों, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तुम सब भी तो लोगों को धोखा देते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता तुम क्या करती हो? अंडरवर्ल्ड में सब जानते हैं कि ब्लैक बटरफ्लाई कितनी खतरनाक गैंग है और उसने कितने लोगों की जान ली है। जब तुम खुद एक खूनी हो तो तुम मुझे किसी का खून करने से कैसे रोक सकती हो? मैंने सिर्फ उन लोगों को मारा है जो लोगों को मारते हैं, रावी ने कहा। विहान, लेकिन इसके आगे रावी कुछ कह पाती विहान ने उसे रोक दिया और कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ और तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया और ना ही तुम्हें अपना पार्टनर समझा। मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था उस गैंग को खत्म करने के लिए, जिसे मैंने खत्म कर दिया है। विहान जानता था कि वो ब्लैक बटरफ्लाई के सारे डेटा और सीक्रेट्स को जमा नहीं कर पाया था, फिर भी उसने वहां से कई सारी चीजें हासिल की थी जो उन्हें बर्बाद करने के लिए काफी थी, और उसने वहां मौजूद कई सारे लोगों को मार डाला था। रावी ने हिम्मत करके कहा, नहीं, तुमने कुछ खत्म नहीं किया है, सब अभी भी ठीक है। ये सुनकर विहान के होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ बचा सकती हो? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। विहान ने जैसे ही ये बात खत्म की, रावी का फोन रिंग करने लगा। रावी ने डरते हुए फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से प्रवीण ने अपनी कांपती आवाज में कहा, मैम, जब हम जख्मी लोगों को बाहर निकाल रहे थे तब पूरा म्यूजियम ब्लास्ट हो गया। हमारे कई सारे लोग अंदर मौजूद थे और हमारा सारा डेटा भी अंदर ही था। कुछ नहीं बचा मैम, सब कुछ खत्म हो गया। रावी ने कॉल कट कर दिया। रावी का पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसे प्रवीण की कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। विहान ने रावी को पीछे से गले लगाया और अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए कहा, क्या हुआ रावी, क्या तुम्हें शौक लगा? नहीं, तुम तो उदास हो गई। रावी, थोड़ा रो लो, देखो मैं तुम्हें अपना कंधा दे रहा हूँ। ये कहते हुए विहान रावी की गर्दन पर किस कर रहा था। रावी ने विहान को खुद से दूर धकेल दिया और चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते हुए रावी ने अपनी गन निकाली और उसे विहान के सिर पर पॉइंट कर दिया। विहान रावी की आंखों में देख रहा था। उसने कहा, शूट मी, आई सेड शूट मी। रावी का हाथ कांप रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रावी ने गन को जमीन की तरफ पॉइंट किया और उसमें जितनी भी गोलियां थी उन्हें फायर कर दिया। पूरा विलाप गन शूटिंग की आवाज से गूंज रहा था और रावी अपनी लाल आंखों से विहान को घूर रही थी। उसने कहा, तो वो सब क्या था जो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम मुझे पसंद करते हो और हमारी शादी, क्या वो सब भी एक झूठ था? विहान ने रावी के गले की तरफ देखा जिसमें अभी भी वो मंगलसूत्र था। विहान ने एक झटके से उस मंगलसूत्र को रावी के गले से खींच लिया। रावी अपनी गर्दन पर हाथ रखकर खड़ी थी क्योंकि उस चेन के खींचे जाने से वहां एक गहरा जख्म बन गया था और उसकी गर्दन के पास से खून भी निकल रहा था। विहान ने उस मंगलसूत्र को हवा में हिलाते हुए कहा, क्या तुम इसकी बात कर रही हो? हाँ, ये सभी एक मजाक था और वो शादी एक झूठ थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा? रावी, जिसके दिल में अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी थी, अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी। विहान ने आगे कहा, मैंने तुमसे शादी इसीलिए की थी ताकि तुम मुझ पर पूरी तरह भरोसा कर सको और मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स पता लगा सकूं। अब मेरे पास सब कुछ है। तुमने क्या कहा था, तुमने सारा डेटा डिलीट कर दिया था? नहीं मिस रावी राजवंश, मैं वहां से कई सारे ऐसे सबूत लेकर आया हूं जो तुम्हें और तुम्हारे उस गैंग को बर्बाद करने के लिए काफी है। मैं तुम्हारे गैंग का नाम अंडरवर्ल्ड से मिटा दूंगा। वहां मौजूद हर एक इंसान और हर एक गैंग ये भूल जाएगी कि ब्लैक बटरफ्लाई नाम जैसी कोई गैंग कभी दुनिया में थी। रावी ने अपने कानों पर हाथ रखे और कहा, चुप हो जाओ विहान, प्लीज चुप हो जाओ। लेकिन विहान चुप नहीं हुआ, वो रावी के आसपास घूम रहा था। उसने कहा, अब तुम क्या करोगी, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? तुम कुछ नहीं कर सकती रावी, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रावी, तुम बर्बाद हो चुकी हो। रावी ने अपनी खाली आंखों से विहान को देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि सिर्फ नफरत थी। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे बर्बाद कर दोगे तो मैं उठ नहीं पाऊंगी? मैं रावी राजवंश हूँ, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, पर अब तुम जानोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसके साथ धोखा करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें उस हद तक बर्बाद कर दूंगी जहां तुम मौत की भी भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी, ये तुमसे रावी राजवंश का वादा है। ये कहते हुए रावी मुड़ी और उस विला से चली गई। एसके हार्ट रिसर्च सेंटर, ऋषि वीरा का हाथ पकड़कर बैठा था और एक तक उसे देखे जा रहा था। वीरा को अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगा था और उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। ऋषि ने कहा, वीरा प्लीज उठ जाओ, क्या तुम मेरे लिए नहीं उठोगी? देखो अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और किसी और लड़की से शादी कर लूंगा, फिर मेरे बच्चे तुम्हें आंटी कहेंगे। ये कहते हुए उसने सिर नीचे झुका लिया था। ऋषि आगे कुछ कहने ही वाला था कि उसे वीरा की धीमी आवाज सुनाई दी। वीरा ने कहा, खबरदार जो तुमने इस बात के बारे में सोचा भी, तुम सिर्फ मेरे साथ बच्चे पैदा कर सकते हो और मेरे बच्चे मुझे मम्मी कहेंगे।
जैसे ही ऋषि ने वीरा की आवाज सुनी, उसने वीरा को अपने गले से लगाते हुए कहा, वीरा तुम होश में आ गई? वीरा ने दर्द से करहाते हुए कहा, मुझसे दूर हटो, मुझे दर्द हो रहा है। ऋषि जल्दी से वीरा से अलग हुआ। उसने कहा, सॉरी, क्या तुम ठीक हो? रुको, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। वीरा ने ऋषि का हाथ पकड़ा और कहा, थोड़ी देर मेरे पास बैठो। ऋषि वापस बैठ गया। वीरा अपनी नम आंखों से उसे देख रही थी। उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? वीरा ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं नहीं रो रही हूँ। ऋषि ने उसकी आंखों से आंसू को साफ किए और कहा, देखो तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वीरा ने कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है आंखों में कुछ चला गया हो। ऋषि ने वीरा के सिर पर हाथ मारते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकती, क्या तुम अपने कार्तिक के सामने भी झूठा दिखावा करोगी? विहान का घर। रावी के वहां से जाने के बाद विहान, जिसका चेहरा गुस्से और मुस्कान से भरा हुआ था, अचानक मुरझा गया। विहान अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठा और उस जगह को देखने लगा जहां गोलियों के निशान बन चुके थे। विहान को ऐसा लग रहा था जैसे वो गोलियां जमीन पर नहीं, उसके दिल पर चलाई गई हो। लेकिन वो जानता था कि जितने ज्यादा दर्द आज उसने रावी को दिए थे, वो हद से ज्यादा थे और जिनकी शायद माफी भी नहीं थी। विहान ने जमीन पर अपने हाथ को फेरते हुए कहा, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, पर फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? तुमने मेरे भाई के साथ इतना बुरा किया था, तुम्हारे कारण वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, फिर भी जब मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा तो मुझे इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है? रावी, कैसे तुमने मेरे दिल में इतनी ज्यादा जगह बना ली कि मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख पा रहा था? ये कहते हुए विहान की आंखों से अनजाने में ही आंसू बहते जा रहे थे। विहान ने अपने हाथ में पकड़े उस मंगलसूत्र को देखा जिसे उसने रावी के गले में खींच लिया था और उस मंगलसूत्र को अपने सीने से लगाते हुए कहा, भले ही मैंने तुमसे एक झूठा रिश्ता बनाया था, लेकिन फिर भी वो मेरे दिल में एक सच्ची जगह बना चुका है। पर विहान, अपने दिल के लिए फर्ज को नहीं छोड़ सकता और मेरा फर्ज कहता है कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। इसीलिए अब मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि मुझे कभी तुम्हारी परछाई भी नहीं दिखने को मिलेगी। रावी, मैं तुमसे इतना दूर चले जाना चाहता हूँ कि तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें और तुम्हारी मुस्कान मेरे दिमाग, दिल और जहन से हमेशा के लिए मिट जाए। ये कहते हुए विहान खड़ा हुआ और मुड़कर वापस अपने कमरे में चला गया। एसके हार्ट रिसर्च सेंटर। वीरा ने हैरानी से ऋषि की तरफ देखा। ऋषि ने कहा, हाँ, मुझे सब याद आ चुका है कि मैं तुम्हारा कार्तिक हूँ। मुझे माफ कर दो वीरा, मैंने पहले जैसा तुम्हारे साथ बिहेव किया और जिस तरह तुम्हें छोड़ दिया, मैं नहीं जानता मेरी याददाश्त कैसे चली गई, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है, मुझे तुम याद आ गई हो। ये कहते हुए ऋषि ने वीरा के माथे को चूम लिया। ये सुनकर वीरा की आंखों से आंसू बह गए थे। उसने कहा, क्या तुम्हें सच में सब कुछ याद आ गया? ऋषि ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, क्या मैं अपनी वीरा से कभी झूठ बोल सकता हूँ? वीरा ने कहा, लेकिन तुम्हें सब याद कैसे आया? ऋषि ने वीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, जब मैं रावी के साथ प्रतिज्ञा को बचाने गया था, उस समय मैंने वहां उन लोगों को लड़ते देखा था और उस लड़ाई को देखते हुए मुझे धीरे धीरे सब याद आने लगा था और आखिर में मुझे याद आ गया कि मैं ही कार्तिक हूँ। वीरा, तुम्हें कितने टाइम तक मेरे कारण परेशान रहना पड़ा? वीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, ऋषि, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि तुम्हें सब याद आ गया है। थोड़ी ही देर बाद वीरा को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया और घर के सभी लोग एक एक करके उससे मिलने आने लगे। वीरा जितना हंसकर ऋषि से बातें कर रही थी, उतना ही उसका बिहेवियर बाकी सबके साथ रूढ़ था। ऋषि अपने हाथ पीछे बांधकर दीवार से टिककर खड़ा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। जब से उसे अपना पूरा अतीत याद आया था, उसे वीरा से और ज्यादा प्यार हो गया था। सबके वहां से चले जाने के बाद वीरा ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद करके लेट गई। ऋषि उसके पास आया और उसने वीरा के माथे को सहलाते हुए कहा, तुम्हें अभी भी दूसरों से ज्यादा बात करने में अनकंफर्टेबल फील होता है? वीरा ने अपनी आंखें खोली और हाँ में सिर हिला दिया। अब उसकी आंखें पहले की तरह बेजान नहीं थी, बल्कि उनमें चमक थी। वीरा ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, रावी अभी तक नहीं आई? वो जब से होश में आई थी, वो अपनी छोटी बहन से नहीं मिली थी, इसीलिए वीरा को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। उसके पास अपना फोन और लैपटॉप नहीं था, ना ही प्रवीण उसे किसी तरह की अपडेट देने आया था, इसीलिए वीरा बाहर हो रही चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। ऋषि ने कहा, तुम सो जाओ और खबरदार जो तुमने किसी से कहकर फोन या लैपटॉप मंगवाया। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम अपना काम किए बिना रह नहीं सकती, लेकिन प्रतिज्ञा ने कहा है कि तुम्हारी बॉडी और माइंड को रेस्ट चाहिए, इसीलिए तुम किसी तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकती हो। आराम करो और ज्यादा मत सोचो। ये कहकर ऋषि अपनी स्क्रिप्ट लेकर सोफे पर बैठ गया। वीरा ने कहा, क्या तुम अभी भी वो फिल्म करना चाहते हो? ऋषि ने बिना अपना सिर उठाए कहा, क्योंकि मैं सच में एक एक्टर बनना चाहता था, पर कुछ मजबूरियों के कारण मुझे अपने सपने को छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब जब मैंने अपनी याददाश्त जानने के बाद भी अपने सपने को नहीं छोड़ा, तो सब कुछ याद आने के बाद मैं कैसे ये सब भुला सकता हूँ? अब तो मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद करके लेट गई, पर उसके दिमाग से रावी का ख्याल जा ही नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि रावी के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है या वो किसी परेशानी में है। रात का समय, हॉस्पिटल शांत था और वहां कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन तभी एक परछाई खिड़की से कूदकर अंदर आई।
उस इंसान के चेहरे पर काला कपड़ा बंधा था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। वो अपने हाथ में एक चाकू लिए आगे बढ़ रहा था। उस आदमी ने एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। चांद की रोशनी में बेड पर एक आदमी को लेटा देखा जा सकता था जिसकी आंखें इस वक्त बंद थी। कमरे में आए आदमी ने बिना सोचे समझे अपने हाथ में पकड़े चाकू को उस आदमी के दिल के पास घुसा दिया और अपने खून से रंगे हाथों को देखकर हंसने लगा। उसने कहा, मैंने तुम्हें मार दिया वायु राजवंश, आखिरकार तुम मर गए। अब बस मुझे तुम्हारे परिवार के बाकी सभी लोगों को मारना है, फिर मैं अपनी निर्मला मैम का बदला पूरा कर सकूंगा। ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंस रहा था। तभी कमरे की लाइट अचानक ऑन हो गई। ये देखकर वो इंसान डर गया। उसने देखा बेड पर कोई इंसान नहीं लेटा था, बल्कि वहां एक पुतला था जो बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखता था और उस पुतले से भी खून बह रहा था। ये देखकर उस आदमी ने अपने दोनों हाथों से उस पुतले को खरोचते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? वायु राजवंश कहां गया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पीछे ऋषि सत्यराज, धैर्या, वायु, कृपा जी, पूर्वा, मृत्युंजय, धीरज जी और घर के बाकी सभी लोग खड़े थे और हैरानी से हेमंत को देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हेमंत इतना सब कुछ होने के बाद भी दोबारा वायु पर हमला करने हॉस्पिटल में आ गया था। धैर्या ने कसके वायु का हाथ पकड़ रखा था। अगर ऋषि सत्यराज पहले उन्हें नहीं बताते कि कोई उन पर हमला करने वाला है और उन्हें एक प्लानिंग करने की जरूरत है, तो शायद आज वो वायु को खो देती। ये सोचकर धैर्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वायु ने अपना एक हाथ धैर्या के कंधे पर रखा हुआ था और वो उसे संभाल रहा था। हेमंत अभी भी पागलों की तरह उस पुतले को मारे जा रहा था। तभी उसे अपने पीछे से एक रोती हुई आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ को सुनकर ही हेमंत की आंखें बड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। अनाया वहां एक पिलर के सहारे खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अनाया ने चिल्लाते हुए कहा, बस कीजिए पापा, शांत हो जाइए आप। कब तक झूठ को सच बताते रहेंगे कि इन लोगों ने आपकी निर्मला मैम के साथ गलत किया था? बुरा तो इन सबके साथ हुआ था। आपने और आपकी निर्मला मैम ने इन सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने तो 2-7 साल के बच्चों को नहीं छोड़ा था और उन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया था। आप कैसे अपनी मैम के लिए बदला ले सकते हैं? पापा प्लीज ये सब छोड़ दीजिए, मेरे साथ चलिए। मैं इन लोगों को समझाऊंगी कि कोई आपको कुछ ना करे, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये सुनकर हेमंत अब गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपनी उंगली को अनाया की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुम झूठी हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने कहा था कि तुम मेरी बदला लेने में मदद करोगी और अब तुम पीछे हट रही हो। अच्छा होता अगर मैंने तुम्हें उस आइलैंड पर छोड़ दिया होता जहाँ से मैंने तुम्हें उठाया था। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम मेरी बेटी कहलाओ। अनाया, जो इस वक्त उदास थी, हेमंत की बात सुनकर हैरान हो गई। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, पापा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी ही बेटी हूँ। हेमंत अब पूरी तरह अपना होश खो चुका था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम उस पागल डॉक्टर की बेटी हो जो आइलैंड पर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता था, जहाँ पर हमने रावी और वीरा को रखा था। उस समय मैं जब वहां से भाग रहा था तो मुझे तुम मिल गई थी और मैं तुम्हें अपने साथ ले आया था, ये सोचकर कि आगे चलकर तुम मेरे काम आओगी, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। इसीलिए जाहिर सी बात थी तुम भी इंटेलिजेंट ही होती, और देखो तुम उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट निकली। तुमने मिलिट्री हॉस्पिटल में अपने लिए डॉक्टर की जॉब हासिल कर ली। तुमने मेरे इतने सारे बुरे कामों में मेरा साथ दिया, पर नहीं, आखिर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मरना होगा। ये कहते हुए वो अपने हाथ में पकड़े चाकू को अनाया की तरफ ले जाने लगा। अनाया इतनी ज्यादा हैरान थी कि वो अपनी जगह से हटना भी भूल चुकी थी। ऋषि सत्यराज ने तेजी से अनाया को अपनी तरफ खींचा, जिससे हेमंत वहां की दीवार से टकरा गया और सिर में चोट लगने के कारण जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अनाया ने जब हेमंत की ऐसी हालत देखी तो वो अपने घुटनों के बल बैठी और उसने हेमंत को संभालते हुए कहा, पापा आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपका इलाज करूंगी, प्लीज प्लीज उठ जाइए।